नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू के कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से और उसका सीक्वल दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बात करेंगे कि इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म ने बाजी मारी थी, किसने सबसे ज्यादा कमाई किया था। तो बने रहे वीडियो के साथ। तो इस लिस्ट की पहली फिल्म यानी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से रिलीज हुई थी 2016 में। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू, तनुश्री और शोभि शर्मा। फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था मुकेश ऋषि ने, जो कि काफी सारी बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था राजकुमार आर पांडे ने। फिल्म काफी शानदार थी। यही वो फिल्म थी जिसने प्रदीप पांडे चिंटू को सुपरस्टार बनाया था। दोस्तों, इस फिल्म से पहले प्रदीप पांडे चिंटू की गिनती भोजपुरी के रोमांटिक हीरो में की जाती थी, लेकिन इस फिल्म ने इन्हें रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो बना दिया था और ये फिल्म प्रदीप पांडे चिंटू के कैरियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म ने उस समय तक रिलीज प्रदीप पांडे चिंटू की सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया था। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 35 लाख रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और इस फिल्म की अपार सफलता के बाद 2018 में इस फिल्म के सीक्वल यानी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट 2 को रिलीज किया गया था। फिल्म की खास बात ये थी कि इस फिल्म के जरिए राहुल देव, जो कि साउथ के बहुत बड़े विलन है, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके अलावा इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी मोना लिसा और शोभि शर्मा। फिल्म के एक्शन के लिए साउथ से बड़े बड़े एक्शन मास्टर्स को बुलाया गया था। फिल्म काफी हाई बजट की थी। दोस्तों, ये फिल्म भी प्रदीप पांडे चिंटू के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले तक प्रदीप पांडे चिंटू की 2018 में दो फिल्म रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी माई रे माई हमरा उहे लड़की चाहिए और दूसरी फिल्म थी मेहंदी लाके रखना तू। दोनों ही फिल्में काफी शानदार थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी और प्रदीप पांडे चिंटू को एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की जरूरत थी और उनके पिता राजकुमार आर पांडे ने दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट 2 को बनाया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया। और इस फिल्म के बाद से फिर से प्रदीप पांडे चिंटू की गिनती भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार में होने लगी थी। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ 85 लाख रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 58 लाख का कलेक्शन किया था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, वैसे तो मुझे दोनों ही फिल्में काफी अच्छी लगी थी। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब